जल कुंडली धारा मापी में अगला प्रकार है किलकित कुंडली धारा मापी, जिसे हम वेस्टर्न धारा मापी के नाम से भी जानते हैं। इस वेस्टर्न धारा मापी में भी आयताकार या वृत्ताकार कुंडली होती है, जिसे कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा जाता है। आइए इसकी संरचना को देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आयताकार कुंडली है और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हैं जो अवतल बेलनाकार होते हैं, जो कि रेडियल चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस कुंडली के जो दो छोर हैं, ये दोनों छोर दो स्प्रिंग की सहायता से दो किलकों के बीच में फंसे हुए हैं, इसलिए इसका नाम किलकित कुंडली धारा मापी रखा जाता है। ये दोनों किलके इस धारा मापी के एक एक सिरे से जुड़ी होती हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि P1 किलक यानी कि पाइवट P1 वो जुड़ा है T1 से और पाइवट P2 वो जुड़ा है T2 से। और जब धारा मापी को किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए जोड़ा जाएगा तो उसे परिपथ में 20 से काट कर हम इसे T1 और T2 की सहायता से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि इस कुंडली के साथ एक सुई जुड़ी हुई है और ये सुई एल्युमिनियम की बनी होती है, क्योंकि एल्युमिनियम अचुंबकीय पदार्थ है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से ये प्रभावित नहीं होता। और ये चुंबकीय सुई के सामने एक वृत्तीय पैमाना है जिसके केंद्र में 0 है और दोनों साइड ये सुई गति कर सकती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों साइड बराबर पैमाने बने हुए हैं और ये सुई दोनों ही साइड इन पैमानों में गति कर सकती है। इस पूरे सेटअप को एक अचुंबकीय बॉक्स के अंदर रखा जाता है ताकि आसपास के चुंबक का इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। साथ ही पृथ्वी भी तो एक चुंबक ही है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से भी बचाने के लिए इसे अचुंबकीय बॉक्स के अंदर रखा जाता है और इसके सामने के हिस्से में कांच लगा दी जाती है। इसके सामने के हिस्से की दीवार कांच की इसलिए बनाई जाती है ताकि हम इसकी सहायता से जो पैमाने में सुई का विस्थापन है उसे देख सकें और प्रवाहित होने वाली धारा के मान को ज्ञात कर सकें। जैसे ही इस धारा मापी में धारा को प्रवाहित किया जाएगा, धारा किसी भी एक सिरे से होते हुए एक किलक से होते हुए कुंडली फिर दूसरे किलक यानी दूसरे सिरे तक प्रवाहित होगी, या यूँ कहे कि धारा कुंडली से होते हुए प्रवाहित होगी। और जब धारा कुंडली से प्रवाहित होगी, जो कि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो कुंडली में घूर्णी गति उत्पन्न होगी यानी कि कुंडली में बल आघूर्ण कार्य करेगा, जिसके कारण वो कुंडली घूमने का प्रयास करेगी यानी कि विक्षेपित होगी। अब जब कुंडली विक्षेपित होगी तो हम देख रहे हैं कि इसके साथ लगा हुआ पॉइंटर यानी कि सुई वो भी विक्षेपित होगा और ये कुंडली इस वृत्तीय पैमाने में गति करने लगेगा। हमको इसी वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक नोट करना है जिससे कि हम धारा मापी में बहने वाली धारा को ज्ञात कर सकें। जब कुंडली घूर्णी गति करती है तो ये कुंडली के दोनों सिरे दो स्प्रिंग की सहायता से दो किलकों से जुड़े हुए हैं, तो ये स्प्रिंग भी ऐंठ जाते हैं और जैसे ही धारा का प्रवाह बंद होता है तो ये स्प्रिंग कुंडली को वापस लाने का प्रयास करते हैं। यानी कि जो कुंडली में विक्षेप हो रहा है वो कब तक होगा? जब तक इस स्प्रिंग के द्वारा ऐंठन उसे संतुलित ना कर दे, और यही इस धारा मापी का सिद्धांत है। इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि कुंडली में विक्षेपक बल का आघूर्ण इस स्प्रिंग के ऐंठन बल के आघूर्ण के बराबर होना चाहिए। अब विक्षेपक बल का आघूर्ण कितना होगा? हम विक्षेपण बल के आघूर्ण की कैलकुलेशन पहले ही कर चुके हैं। ये होगा टाउ बराबर NIBA साइन थीटा। यहाँ थीटा बराबर 90 होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुंडली का तल और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक समान होंगे, इसलिए इनके बीच का कोण होगा 90 डिग्री। और साइन 90 का मान होता है 1। यहाँ पर अधिकतम टॉर्क लगेगा, बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम होगा, तो हम यहाँ पर टाउ बराबर लिखेंगे NIBA। अब ऐठन बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा? मान लीजिए कुंडली में विक्षेप फाइ और ए प्रति एकांक विक्षेप का ऐठन है,
तो यहाँ पर हम ऐठन बल आघूर्ण बराबर लिखेंगे के इंटू फाइव। तो धारामापी के सिद्धांत के अनुसार विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण ऐठन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे एन आई बी ए बराबर के फाइव, और यहाँ से I बराबर होगा के फाइव अपॉन एन ए बी। यहाँ हम देखें K, N, A और B ये सारे नियतांक हैं, इसलिए इन सारे नियतांकों को हम एक नए नियतांक के रूप में लिखते हैं और इसे हम दर्शाएंगे G से। तो G बराबर हो जाएगा K अपॉन एन ए बी, जहाँ G गैल्वेनोमीटर नियतांक कहलाता है, और यहाँ से हम देखें तो I बराबर हो जाएगा G फाइव, और यूँ कहें तो I यानी कि धारा मापी में से प्रवाहित होने वाली धारा समानुपाती होती है फाई यानी कि विक्षेप के। कुंडली में जितना विक्षेप हो रहा है उतना विक्षेप सुई में हो रहा है, तो ये विक्षेप दोनों के लिए समान होगा क्योंकि जो सुई है वो कुंडली से ही अटैच थी और डायरेक्ट ही गति कर रही थी इस पैमाने पर। तो यहाँ पर फाई या तो यूँ कहे कि कुंडली का विक्षेप है या फिर सुई का विक्षेप है। इसलिए इस प्रकार के धारा मापी में पाठ्यांक निकालना आसान होता है क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट विक्षेप को वृत्तीय पैमाने में नोट कर सकते हैं। जब हमने निलंबित कुंडली धारा मापी के बारे में चर्चा की थी तो वहाँ हमने देखा था कुंडली ऐठ रही थी, उसके कारण उसमें निलंबन तार में लगा हुआ दर्पण भी घूम रहा था, लेकिन हमने वहाँ पर लैंप पैमाने की व्यवस्था की थी और उस दर्पण के घूमने के कारण उस प्रकाश में भी विस्थापन हो जा रहा था। तो पहले हमको उस प्रकाश का विस्थापन नोट करना था जो कि थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट है, साथ साथ उस पूरे सेटअप को हमको समायोजित भी करना था। इसलिए निलंबित कुंडली धारा मापी की तुलना में किलकित कुंडली धारा मापी से मापन आसान होता है, और ये किलकित कुंडली धारा मापी ये अत्यंत सुग्राही होता है। इसकी सहायता से 10^-6 एम्पियर की धारा को भी ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए किसी परिपथ में अवेक्षेप की स्थिति हमको ज्ञात करनी हो तो हम किलकित कुंडली धारा मापी का ही इस्तेमाल करते हैं। ये किलकित कुंडली धारा मापी में चुंबक बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसलिए ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र या अन्य चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते। साथ ही ये किलकित कुंडली धारा मापी रुद्रदोल होता है यानी कि डेड बीट गैल्वेनोमीटर होता है। हम देखते हैं कि जब धारा मापी की सुग्राहिता अत्यधिक होती है तो अल्प धारा में भी उसकी सुई बहुत ज़्यादा विक्षेपित होगी, जिसके कारण हमको कभी कभी पाठ्यांक लेने में परेशानी होती है। तो ये किलकित कुंडली धारा मापी डेड बीट होती यानी कि रुद्रदोल, यहाँ पे सुई ज़्यादा विक्षेपित नहीं होती क्योंकि हमने जो एल्यूमिनियम की फ्रेम का इस्तेमाल किया था, जो कुंडली बनाते हम वो तांबे की तार को एल्यूमिनियम के फ्रेम में लपेटकर बनाई जाती है, चाहे वो फ्रेम आयताकार हो चाहे वृत्ताकार हो। अब जब इस फ्रेम को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चूंकि एल्यूमिनियम चालक है इसीलिए यहाँ पर भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, और भंवर धाराएं हमेशा मुख्य धारा का विरोध करती है, और इसी कारण यहाँ पर जो मुख्य धारा के कारण इस सुई में अत्यधिक विक्षेप हो रहा था वो उसका विरोध करेगी, जिसके कारण कुंडली में असंभावित विक्षेप कम हो जाएगा और सुई में भी असंभावित विक्षेप कम हो जाएगा, जिसके कारण हम पाठ्यांक अच्छी तरह से ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये किलकित कुंडली धारा मापी निलंबित कुंडली धारा मापी की तुलना में इस्तेमाल में आसान होती है। अब बच्चों ये बताइए कि आपके स्कूल के लैब में जो आपने धारा मापी देखा होगा वो काले रंग का होता है, जिसके सामने कांच या प्लास्टिक का पारदर्शी दीवार होता है और जिसके अंदर हमको वृत्तीय पैमाना दिखता है, वो किस प्रकार का धारा मापी है? निश्चित रूप से ही वो किलकित कुंडली धारा मापी है। अब जैसा कि मैंने बताया कि धारा मापी की सुग्राहिता बहुत अधिक होती है, और किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का मापन करने के लिए हम धारा मापी को परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं ताकि उसमें से पूरी धारा प्रवाहित हो सके। क्योंकि
धारा मापी की जो कुंडली होती है वो पतले तांबे की तार की बनाई जाती है, और जब इसमें से अत्यधिक धारा प्रवाहित हो तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण इस पतले तार की कुंडली में ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि पतले तार की कुंडली का प्रतिरोध अधिक होगा, इसलिए उसमें से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा की मात्रा भी अधिक होगी। तो जब अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है तो इस कुंडली के जलने के चांसेस भी होते हैं, मतलब ये तांबे की धार पिघल सकती है, जल सकती है। साथ ही साथ अत्यधिक धारा प्रवाहित करने से विक्षेप भी अत्यधिक होगा इस कुंडली में, यानी कि उससे जुड़े हुए सुई में भी विक्षेप अधिक होगा। तो अत्यधिक विक्षेप होने से ये कुंडली के साथ जुड़ी सुई इस वृत्तीय पैमाने पर ज़्यादा गति करेगी और उसके कारण इस सुई के टूटने के भी चांसेस होते हैं। तो धारा मापी को इन क्षतियों से बचाने के लिए इसके साथ हम समांतर क्रम में मोटे तांबे की तार जोड़ देते हैं। अब ये मोटे तांबे की तार जोड़ने से ये धारा मापी किस प्रकार सुरक्षित रहेगी, इसको समझने के लिए हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए ये धारा मापी है जिसे हम जी से दर्शा रहे हैं, और इसके साथ समांतर क्रम में हम एक मोटे तांबे की तार जोड़ रहे हैं। जब धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ धारा के प्रवाह के लिए दो मार्ग हो जाएंगे, क्योंकि धारा मापी के साथ ये तार समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अब मोटे तांबे की तार का प्रतिरोध कम होता है और धारा मापी के अंदर जो कुंडली है वह पतले तांबे की तार की बनी हुई है, तो उसका प्रतिरोध अधिक होगा। अब जिस मार्ग में प्रतिरोध कम होगा धारा उसी मार्ग से प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अत्यधिक धारा इस तांबे की तार से होते हुए गुजर जाएगी और धारा का अल्प पोर्शन, कम पोर्शन उस धारा मापी से होकर गुजरेगा, तो वहाँ पर धारा मापी की कुंडली के जलने के चांसेस या फिर उसके सुई के अधिक विक्षेप से टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये मोटे तांबे की तार इस धारा मापी को क्षतिग्रस्त होने से बचा सकती है। और यह मोटे तांबे की तार जिसका प्रतिरोध कम होता है, जिसे हम धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जोड़ते हैं, इसे हम शंट के नाम से जानते हैं। यदि हम इस परिपथ को देखें जिसमें कि आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो जैसे ही ये संधि पर पहुंचेगी धारा के पास दो मार्ग हो जाएंगे। यहाँ पर एक परिपथ धारा मापी से होकर गुजर रहा है और दूसरा मार्ग इस शंट से होकर गुजर रहा है, तो धारा दो भागों में बट जाएगी। धारा मापी से गुजरने वाली धारा को हम आईजी से दर्शा रहे हैं और इस शंट से गुजरने वाली धारा को हम आईएस से दर्शा रहे हैं। धारा मापी की कुंडली और शंट समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः धारा मापी के सिरों के बीच विभव अंतर बराबर शंट के सिरों के बीच विभव अंतर होगा। धारा मापी के सिरों के बीच विभव अंतर कितना होगा? ये धारा मापी के प्रतिरोध और धारा मापी में बहने वाली धारा का गुणनफल होगा। शंट के सिरों के बीच विभव अंतर शंट का प्रतिरोध और शंट से बहने वाली धारा का गुणनफल होगा। इसलिए हम लिखेंगे IG into G बराबर IS into S, और यहां से IS upon IG बराबर होगा G upon S। यदि हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं तो हमें मिलेगा IS upon IG plus 1 बराबर G upon S plus 1। LCM लेकर इसे हल करेंगे तो IS plus IG upon IG equal to G plus S upon S। अब समीकरण एक में हमने देखा I बराबर IG plus IS होता है, तो यह IG plus IS के स्थान पर हम I लिखेंगे तो हमें मिलेगा I upon IG equal to G plus S upon S, और IG upon I बराबर होगा S upon G plus S। यह सूत्र संट के सिद्धांत का मुख्य आधार है, और इसी सूत्र से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि हमें धारा मापी का एनवा भाग प्रवाहित करना हो तो शंट प्रतिरोध कितना होना चाहिए। यदि मुख्य धारा I का एनवा भाग धारा मापी से प्रवाहित करनी हो तो इसका मतलब I बराबर N इंटू आई जी होगा,
या फिर IG अपॉन I बराबर 1 अपॉन N होगा। यह मान इस समीकरण में रखने पर हमें मिलेगा 1 अपॉन N इक्वल टू S अपॉन G प्लस S। इसे त्रिक गुणन करके हल करते हैं तो हमें मिलेगा NS बराबर G प्लस S। अब S वाले टर्म को हम एक साथ लिखते हैं, NS माइनस S इक्वल टू G। S कॉमन लेने पर S ब्रैकेट के अंदर N माइनस 1 इक्वल टू G, और यहां से S बराबर होगा G अपॉन N माइनस 1। यदि हम मुख्य धारा के nवें भाग को धारा मापी से प्रवाहित करना चाहते हैं तो शंट के प्रतिरोध को धारा मापी के प्रतिरोध का n माइनस 1वां भाग होना चाहिए, और यही शंट का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लो धारा मापी का प्रतिरोध 25 ओम है, मुख्य धारा के 10वें भाग को उसमें से होकर प्रवाहित करना है, तब शंट प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो जो सूत्र हमने ज्ञात किया है, S बराबर G अपॉन N माइनस 1। यहां से हम देखें तो धारा मापी का प्रतिरोध 25 है और हम इस धारा मापी में मुख्य धारा का 10वां भाग प्रवाहित करना चाहते हैं, यानी कि N बराबर 10 है। तो शंट प्रतिरोध S बराबर होगा 25 अपॉन 10 माइनस 1, यानी कि 25 अपॉन 9। इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 2.78 ओम। इसका मतलब 25 ओम के धारा मापी में यदि हम मुख्य धारा का 10वां भाग प्रवाहित करना चाहते हैं तो उसमें 2.78 ओम का शंट प्रतिरोध लगाना होगा। तो इस प्रकार बच्चों, इस शंट के सिद्धांत को जानने के बाद आइए देखते हैं शंट के क्या क्या लाभ हैं। सबसे पहला तो ये धारा मापी को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, उसकी कुंडली को जलने से, उसके संकेतक को टूटने से बचाता है यदि अत्यधिक धारा प्रवाहित हो रही हो तो। दूसरा, धारा मापी को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जिससे कि हम धारा का मापन कर सके। तो धारा मापी से पूरी धारा प्रवाहित हो जाए इसके लिए धारा मापी का प्रतिरोध कम होना चाहिए, और इसके प्रतिरोध को कम करने के लिए ही हम शंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि शंट समांतर क्रम में जोड़ा गया कम प्रतिरोध की तार होती है। तो जब समांतर क्रम में हम दो प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं तो हम जानते हैं कि वैसे भी तुल्य प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, इसीलिए हम शंट का इस्तेमाल करते हैं। या यूँ कहें, किसी भी धारा मापी के साथ यदि हम उसकी कुंडली में कम प्रतिरोध की तार समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो उस धारा मापी के परास को बढ़ाया जा सकता है। इस शंट की हानियां भी हैं। हम जानते हैं कि धारा मापी अत्यंत ही सुग्राही होता है, लेकिन जब हम शंट लगा देते हैं तो धारा का बहुत सारा भाग इस शंट से होकर प्रवाहित हो जाता है, जिसके कारण धारा मापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। और जब हमको अवक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी हो इस धारा मापी की सहायता से, उस कंडीशन में हम सही मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब किसी परिपथ में अवक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी हो उस समय हमें शंट को धारा मापी से अलग कर देना चाहिए ताकि हम इस स्थिति को सही तरीके से नाप सकें। अब इस शंट के क्या क्या उपयोग हैं? सबसे पहले तो ये धारा मापी को सुरक्षित रखता है। दूसरा, धारा मापी के साथ शंट लगाकर धारा मापी को अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, और शंट का इस्तेमाल करके अमीटर के परास को भी बढ़ाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं बच्चों कि किस प्रकार हम धारा मापी के साथ शंट करके उसे अमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। बच्चों, अमीटर क्या होता है? अमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा का मापन किया जाता है, और ये उपकरण सदैव ही परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपने अपने स्कूल के लैब में भी देखा होगा बच्चों, ये काले रंग का बॉक्स होता है और जिसमें कांच की या प्लास्टिक की सामने दीवार होती है जिसके अंदर हम वृत्तीय पैमाने को देख सकते हैं, और इसकी सहायता से हम धारा के मान को नोट करते हैं।
जब भी इस अमीटर को हम परिपथ में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कारण ये है कि हम किसी परिपथ से यदि धारा का मापन करना चाहते हैं तो ये पूरी धारा को इस अमीटर से होकर गुजरना है, तभी तो ये पूरी धारा का मान नोट कर सकेगा, उसका मापन कर सकेगा। तो एक अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, तभी तो उसमें से पूरी की पूरी धारा प्रवाहित हो सके। यदि अमीटर में स्वयं ही बहुत प्रतिरोध हुआ तो वो धारा को प्रवाहित होने नहीं देगा, जिससे कि हम धारा के मान का सही मापन नहीं कर सकते। तो धारा के मान को सही तरीके से नापने के लिए एक अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए। और यदि हम आदर्श अमीटर की बात करें तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य ही माना जाता है। लेकिन किसी भी अमीटर की संरचना हम देखें तो उसके अंदर कुंडली होती है जो कि तांबे की तार की बनी होती है, और तांबे की तार का प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता, उसको कम किया जा सकता है। और उसको कम करने के लिए ही हम उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसे हम शंट कहते हैं। क्योंकि जब दो प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है तो हम देखते हैं कि परिणामी प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान कम होने लगता है। तो जितना कम प्रतिरोध का शंट हम उस धारा मापी की कुंडली के साथ जोड़ेंगे, उतना ही अमीटर का प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। और इस प्रकार हम धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध की तार को जोड़कर उसे अमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। जब हम शंट को धारा मापी के साथ जोड़ते हैं तो उसका सर्किट कुछ इस प्रकार दिखता है। अब ये शंट प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि अगर आई धारा इस परिपथ से प्रवाहित हो रही है तो इसके पास दो मार्ग होंगे। ये धारा मापी से प्रवाहित होने वाली धारा को हम आई जी से दर्शा रहे हैं, और जो धारा बच रही है यानी कि आई माइनस आई जी, वो इस कम प्रतिरोध की तार यानी कि शंट से होकर गुजर रही है। ये शंट और धारा मापी की कुंडली दोनों समांतर क्रम में है, इसलिए दोनों के सिरों के बीच विभव अंतर भी सेम होगा। तो हम दोनों के विभव अंतर को समान करेंगे यानी कि बराबर करेंगे। शंट का विभव अंतर कैसे निकालेंगे, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और उसके प्रतिरोध को गुणा करेंगे, क्योंकि ओम के नियम से V इक्वल टू होता है आई आर, विभवांतर बराबर प्रतिरोध इंटू धारा। तो शंट से प्रवाहित होने वाली धारा I माइनस आई जी है, इसका प्रतिरोध S है, तो ये शंट का विभव अंतर बताएगा। बराबर धारा मापी से प्रवाहित होने वाली धारा आई जी है, इसका प्रतिरोध G है, तो हम लिखेंगे आई जी इंटू जी। यहाँ से S बराबर होगा आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। और इस सूत्र के अनुसार हम देखें तो S शंट लगाकर जीरो से लेके आई परास का अमीटर का निर्माण किया जा सकता है, यानी कि धारा मापी को जीरो से लेके आई परास के अमीटर में रूपांतरित किया जा सकता है। अब इस पूरे अमीटर का कुल प्रतिरोध कितना होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुंडली की तार और ये शंट दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो अमीटर का कुल प्रतिरोध हो जाएगा 1/RA बराबर 1/S प्लस 1/G, या RA बराबर होगा GS/G+S। तो इस समीकरण से हम अमीटर के कुल प्रतिरोध का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम धारा मापी को मिली अमीटर में किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि धारा मापी को अमीटर में किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है या मिली अमीटर में किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है। तो हम जानते हैं कि मिली अमीटर का प्रतिरोध सामान्य अमीटर की तुलना में थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि ये मिली में यानी कि अल्प धारा का मापन कर रहा है, इसलिए इस मिली अमीटर का प्रतिरोध सामान्य अमीटर की तुलना में अधिक होता है। मतलब अब धारा मापी को यदि मिली अमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसका प्रतिरोध सामान्य अमीटर की तुलना में थोड़ा सा अधिक होना चाहिए। इसका मतलब जो एमीटर का प्रतिरोध था उसके मान को हमको बढ़ाना है, तो हम जो शंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके प्रतिरोध को बढ़ा देंगे। इस तरह से
थोड़े से अधिक प्रतिरोध के शंट का इस्तेमाल करके हम धारा मापी को मिली अमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, इसके आधार पर हम एक आंकिक प्रश्न सॉल्व करते हैं। एक धारा मापी में जिसकी कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, एक मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है। इसे एक एम्पियर परास के अमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रश्न में दिया गया है जी बराबर 100 ओम, आईजी बराबर 1 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, 1/1000 एम्पियर यानी कि 1×10⁻³ एम्पियर, और I बराबर 1 एम्पियर है। मान लो धारा मापी की कुंडली के साथ S प्रतिरोध का शंट जोड़ा जाता है, तो सूत्र अनुसार S बराबर Ig/I-Ig×G। अब ये सारे मान इस सूत्र में रख देने पर हमें मिलेगा 100/999। इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 0.1 ओम। धारा मापी को वोल्ट मीटर में भी रूपांतरित किया जा सकता है। ये वोल्ट मीटर ऐसा उपकरण होता है जो किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में विभव अंतर का मापन कर सकता है। तो इस वोल्ट मीटर को परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है? इस वोल्ट मीटर को किसी भी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि उस परिपथ के किसी दो बिंदुओं के बीच में हमको विभव अंतर का मान ज्ञात करना हो तो मान लीजिए हमारे पास परिपथ में एक प्रतिरोध है और इसके सिरों के मध्य हमको विभव अंतर ज्ञात करना हो, तो हम उन दोनों बिंदुओं के साथ इस वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। अब जब धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर धारा के प्रवाह के लिए दो मार्ग हो जाएंगे, यानी कि कुछ धारा वोल्ट मीटर से भी प्रवाहित हो जाएगी और कुछ धारा तो मुख्य परिपथ से प्रवाहित होगी। यानी कि यूं कह सकते हैं हम कि मुख्य परिपथ में धारा का मान परिवर्तित हो जाएगा, और धारा के मान परिवर्तित हुआ तो उसके सिरों के मध्य विभव अंतर भी परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए ताकि उस परिपथ में से जिसमें कि वोल्ट मीटर जोड़ा है धारा प्रवाहित ना हो, पूरी धारा मुख्य परिपथ में से ही प्रवाहित हो जिस परिपथ में हमको विभव अंतर ज्ञात करना हो। तो अब धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। अब धारा मापी के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? उसकी कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो जितने ही उच्च प्रतिरोधों को आप जोड़ेंगे उतना ही तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ एक उच्च प्रतिरोध की तार श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जब उच्च प्रतिरोध की तार श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है तो धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग हो जाता है इस वोल्ट मीटर से, जिसका प्रतिरोध बढ़ चुका होता है, और इसीलिए इस वोल्ट मीटर से धारा प्रवाहित नहीं होती, और ये वोल्ट मीटर किसी भी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में विभव अंतर का मापन अच्छी तरह से कर सकता है। यूं कहें कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, मतलब उस परिपथ में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। इस परिपथ को हम देखें तो ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू होता है IR, तो इस वोल्ट मीटर का विभव V बराबर हो जाएगा IG इनटू टोटल प्रतिरोध। यहाँ पे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे G+R, जहाँ पर G धारा मापी का प्रतिरोध है और R ये उच्च प्रतिरोध है जिसको हमने धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा V/Ig-G, मतलब इस R प्रतिरोध की तार को जोड़कर हम
किसी भी धारा मापी को 0 से लेकर वी वोल्ट के परास के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस प्रकार इस वोल्ट मीटर का कुल प्रतिरोध हो जाएगा आरवी बराबर आर प्लस जी। अब मान लीजिए हमको धारा मापी को मिली वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं कि मिली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध वोल्ट मीटर की तुलना में कम होता है। मतलब अब हमको इस प्रकार व्यवस्था करनी है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करते समय उसका प्रतिरोध कम हो जाए। तो हम जो प्रतिरोध इस्तेमाल कर रहे थे उच्च मान का, उस मान को हमको थोड़ा सा कम ले लेना है। मतलब समान वोल्ट मीटर में जितने प्रतिरोध की तार हम इस्तेमाल करते हैं उससे कम प्रतिरोध की तार हम मिली वोल्ट मीटर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार कम प्रतिरोध की तार को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है धारा मापी की कुंडली के साथ, तो इस प्रकार सामान्य वोल्ट मीटर में जितने प्रतिरोध की तार हम इस्तेमाल करते थे उससे कम प्रतिरोध की तार को हम धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर उसे मिली वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, इस सिद्धांत के आधार पर आइए एक अंकिक प्रश्न बनाते हैं और अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करते हैं। एक धारा मापी को जिसकी कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है और जो 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण स्केल विक्षेप देता है, 0 से 10 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध के मान की गणना कीजिए। हमें धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करना है। इसके लिए हम मानते हैं कि कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में 8 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। इस प्रश्न में दिया गया है जी बराबर 100 ओम, आईजी बराबर 5 मिली एम्पियर और वोल्ट मीटर का वोल्ट होगा 10 वोल्ट। सूत्र अनुसार आर बराबर वी अपॉन आईजी माइनस जी। अब ये सारे मान हम इस समीकरण में रखेंगे। यहाँ IG बराबर 5 मिली एम्पियर है, तो मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1000 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 5×10⁻³ एम्पियर। और सूत्र में मान रखने पर हमें मिलेगा 2000-100, यानी कि 1900 ओम। तो इस प्रकार 1900 ओम का प्रतिरोध कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने से धारा मापी को 10 वोल्ट के परास के वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। अमीटर, वोल्ट मीटर, इसकी सहायता से विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की माप की जाती है। इसकी सहायता से विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव अंतर की माप की जाती है। इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का शंट जोड़ा जाता है। इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ा जाता है। इसे विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसे विद्युत परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। इसका प्रतिरोध अत्यधिक होता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है।